उदा सरकार ने हमारा ये लगा दिया बेटा भाई, तुम्हारा ये खरी के मीटर है, खरी के मीटर है ना, कोई बिल देना है, अल्लाह सवाल नहीं है। बीजेपी जेजेपी के नेता ही नहीं बल्कि उनके गठबंधन सरकार में शामिल दूसरे नेताओं के लिए भी अब किसान कोई मायने नहीं रखता। यही कारण है कि बड़ौदा के ईशाखेड़ी गांव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के सामने जब एक बुजुर्ग ने अपनी दास्ता बताते हुए कहा कि हुड्डा ने उनके लिए बिजली का मीटर लगवाया था लेकिन उनके कर्मचारी उसे उखाड़ कर ले गए, बस फिर क्या था, मंत्री जी के इर्द गिर्द बैठे उनके चापलूसों ने बुजुर्ग को धक्के मारकर वहां से हटा दिया। उदा सरकार ने हमारा ये लगा दिया बेटा भाई, तुम्हारा ये खरी के मीटर है, खरी के मीटर है ना, कोई बिल देना है, अल्लाह सवाल नहीं है। अब हमने देखा तो मारा मीटर है पास में, लट कहाँ से लाएंगे बाबू जी, हम भी तो गरीब आदमी, सात सात साल लगे बालकान पालों बिल भरे, ये बताओ मेरे को ऐसा सिस्टम हमारे सरकार ने क्यों किया हमारे साथ में। शायद इसे ही कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्योंकि जब बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के लिए किसानों के कोई मायने नहीं है तो फिर भला उनकी सरकार को समर्थन देने वाले आजाद विधायक कैसे उनसे अलग हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रियों का हर स्थान पर जनता की ओर से विरोध किए जाने के बाद भी ये लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके बीच जाने से पीछे नहीं हट रहे। किसान के लिए अपना पद त्यागने वाले चौधरी देवीलाल के बेटे रंजीत चौटाला अपने सामने गरीब किसान को धक्का पड़ता देख भले ही चुप रहे हों, लेकिन बड़ौदा की जनता 3 तारीख को वोट के रूप में इस अपमान का बदला जरूर लेगी।